हे गाइस, तो आज हम बनाएंगे डोमिनोज स्टाइल जिंगी पार्सल, लेकिन थोड़े से ट्विस्ट के साथ में। इसकी जो फिलिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी डोमिनोज के जिंगी पार्सल से। इसका डो भी हम घर पे प्रिपेयर करेंगे, वो भी बिना किसी यीस्ट के, और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अगर आपने एक बार ये रेसिपी ट्राई कर ली तो आप डोमिनोज के जिंगी पार्सल भूल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ मैंने लिया है 2 कप मैदा, उसमें मैंने ऐड किया है यहाँ बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, थोड़ा सा नमक और पिसी हुई चीनी। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप दही और 3 से 4 टेबल स्पून यहाँ ऑयल ऐड करेंगे, और इन सबको मिलाते हुए एक सॉफ्ट सा हम डो प्रिपेयर कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, डो को ज़्यादा हमें सॉफ्ट नहीं करना है, एकदम मीडियम सॉफ्ट हम इसे डो प्रिपेयर करेंगे, जैसे नॉर्मली हम रोटी या किसी का डो प्रिपेयर करते हैं। तो बस हम इसका डो प्रिपेयर कर लेंगे। बिना यीस्ट के ये जो डो है अच्छे से फूफ हो जाएगा, आप बाद में देखिएगा। इसे थोड़े हल्के हाथों से मसलते हुए ये हम डो बना लेंगे, और इसे हम हल्के गीले कपड़े से ढककर करीबन 1/2-1 घंटे के लिए रख देंगे। अब हम प्रिपेयर करते हैं अपनी फिलिंग। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ बटर। बटर को अच्छे से हम मेल्ट होने देंगे। उसके बबाद मैंने यहाँ ऐड किया है 1.5 कप उबले हुए कॉर्न यानी मकई। उसमें ऐड किया है थोड़ा सा नमक और काली मिर्च का पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। इन सबको हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे। इसे सॉटे करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पे कुटा हुआ लहसुन, और लहसुन को हम इसकी स्मेल जाने तक या पकने तक इसे हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे। थोड़ा सा मक्खन और ऐड करेंगे और उसमें यहाँ डालेंगे करीब 2 चम्मच मैदा। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे यहाँ 1/2 कप के करीब दूध। ज़्यादा दूध ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमें जो इसकी सॉस है वो बिल्कुल थिक रखनी है, नहीं तो जो डोमिनोज का जिंगी पार्सल है वो हमारी शेप नहीं ले पाएगा। तो बस ये थिक हो गया है यहाँ। फिर मैंने ऐड किया है यहाँ करीब 250 ग्राम पालक, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। पालक भी पानी छोड़ता है, तो ध्यान रखिएगा कि आपको ज़्यादा दूध ऐड नहीं करना है। इसे अच्छे से सॉफ्ट होने तक हम इसमें मिक्स कर लेंगे, और ये देखिए हमारी जो फिलिंग है वो रेडी है। इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब इस फिलिंग को हम अच्छे से ठंडा होने देंगे, गरम गरम फिलिंग हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ये फिलिंग को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ हमारे डो को भी 1/2 घंटा हो चुका है और थोड़ा सा ये फूल भी गया है। इसे हल्के हाथों से एकदम हम मसल लेंगे, और आप ये देखिए इसमें कितना अच्छा खमीर उठा है। मतलब बिना यीस्ट के भी हम एक डो प्रिपेयर कर सकते हैं। इसे हल्के हाथों से थोड़ा सा मसल लेंगे। तो बस ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा टाइट, इसी तरह का डो हमें बनाना है। अब इस डो से हम छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे, और इस डो से मतलब 2 कप आटे से करीब मैंने यहाँ 10 बॉल प्रिपेयर करी है, यानी कि हम इससे 10 जिंगी पार्सल बना सकते हैं। तो बस सारी बॉल्स बना लेंगे। उसके बाद यहाँ मैंने लिया है मकई का आटा, क्योंकि डोमिनोज में भी यही यूज़ किया जाता है। इसे अच्छे से लोई में लपेट के हम इसे एक रोटी के शेप में बेल लेंगे। ध्यान रहे रोटी का जो शेप है वो ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। फिलिंग हमारी बाहर से लीक ना करे, उसकी थिननेस बस उतनी ही रखनी है। तो यहाँ रोटी के शेप में बेल लिया। अब इसे शेप देंगे, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उसी तरह से ट्रायंगल का शेप हमें देंगे, और उंगलियों की मदद से इसे पिंच करना है ताकि फिलिंग हमारी बाहर ना निकले। इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि ये खुले नहीं पार्सल। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारी फिलिंग।
ज़्यादा फिलिंग ऐड नहीं करनी है, नहीं तो वो बेक होने के बाद में बाहर निकलेगी। तो बस फिलिंग ऐड करके जैसा मैं वीडियो में बता रही हूँ, इस तीनों कोनों को हम अच्छे से सील करते हुए, एक दूसरे में चिपकाते हुए हम इसे अच्छे से सील कर लेंगे। और ये रेडी है हमारा एक पार्सल। एक बार फिर मैं आपको रिपीट करके बता देती हूँ प्रोसेस। ट्रायंगल बनाना है, अच्छे से प्रेस करना है, फिलिंग रखनी है और तीनों कोनों को अच्छे से सील करते हुए हमें पैक कर देना है ताकि हमारी फिलिंग बाहर ना निकले। तो रेसिपी बहुत ही आसान है। इसी तरह से हम सारे झिंगी पार्सल बना लेंगे और इसे एक कपड़े की मदद से ढककर रख देंगे कुछ देर के लिए। इसके बाद हम इस पे ब्रश करेंगे थोड़ा सा मेल्टेड बटर। बहुत ही क्यूट लगते हैं और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सब पे हल्का हल्का सा बटर हम ब्रश कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जब आप इसे बेक करेंगे तो एक परफेक्ट इसमें क्रस्ट और एक परफेक्ट कलर इसमें आएगा। तो ब्रश की मदद से हम इसे बटर लगा लेंगे और इस पर स्प्रिंकल कर लेंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो या चिली फ्लेक्स भी आप चाहें तो आप टॉप कर सकते हैं इस पर। ये बेक होने के लिए एकदम झिंगी पार्सल हमारे रेडी हैं। अब हम इसे बेक करेंगे 160 डिग्री पे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए, या फिर अपनी ओवन की सेटिंग के अकॉर्डिंग आप इसे बेक करें। ज़्यादा डार्क कलर हमें नहीं चाहिए। तो ये देखिए 15 मिनट बाद हमारे झिंगी पार्सल एकदम रेडी है, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं, एकदम परफेक्ट कलर इसमें आया है और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो आप ये रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये थोड़े से ट्विस्ट के साथ में है और ये आटे के साथ अगर बनाएंगे तो एक हेल्दी रेसिपी भी हो सकती है। वापस से मैंने उसके ऊपर से थोड़ा सा बटर लगा लिया है। आप इसे किसी सॉस के साथ में या फिर ये यूं भी ऐसे भी अच्छा लगता है। एकदम परफेक्ट इसका क्रस्ट आया है, कलर भी बहुत अच्छा है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। पालक और कॉर्न के साथ में बहुत ही मज़े का लगता है ये। तो आप ये रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और अगर बुरी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं इसमें क्या चेंजेस कर सकती हूँ अपनी रेसिपीज़ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग हंगर अटैक।